क्या जबरदस्त किस्म का ट्री हाउस अभी अभी हमें यहाँ पर मिला है। आई डोंट नो कि कोई इधर रह रहा है या ये टूरिस्ट के लिए बनाया है या फ्यूचर में टूरिस्ट के लिए यूज होगा, बट ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही कोई यूनिक किस्म का जो है ये पॉइंट होगा अगर आप यहाँ पर आकर स्टे करना चाह रहे हैं। लेट्स टेक इट आउट। Beautiful and amazing views. वाकई अगर तो from a tourist point of view ये जगह आपको मिलती है यहाँ पर stay करने के लिए, I think इससे ज़्यादा amazing जगह नहीं हो सकती कि आप सुबह सुबह उठें ऐसे खूबसूरत view के साथ पैसे पूरे। Beautiful. Let's keep moving forward, keep exploring the nature, the adventure and the beauties of Sokwel. Finally, kuch kadam chalne ke baad hame rasta mil gaya hai jisko hum cross karke to dusri side pe jayenge aur wahan ki khoobsurti aap logon ke sath share karenge. तो पानी इतना शैलो नहीं है जितना मुझे लग रहा था, थोड़ा गहरा है, जूते गीले हो सकते हैं, बट मेरी कोशिश होगी कि जूते गीले किए बगैर किसी तरह कुछ पत्थरों की मदद से जंप करके तो उस तरफ चला जाऊं। सो लेट्स सी। लेट्स गो, वी मेड इट। थोड़ा सा आगे एक पुल नजर आ रहा है, विच मीन्स कि डेफिनेटली उस पुल की मदद से हम इस साइड पे पहुंच जाएंगे। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये खूबसूरत किस्म के ऑटम कलर के जो ट्रीज हैं, और इसी छोटे से फॉरेस्ट के अंदर हम जाना चाह रहे हैं और वहाँ की खूबसूरती आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जो खूबसूरती और पॉसिबल डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है इस सोक वैली के अंदर। जो रिवर है, आई एम प्रिटी श्योर कि किसी और सीज़न के अंदर इसका फ्लो और ज़्यादा तेज़ और इसका लेवल और ज़्यादा होगा। और जो ये रगेड टेरेन्स मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, आई थिंक विंटर्स के अंदर या प्रॉपर फॉल सीज़न के अंदर जो कलर्स होंगे इन ट्रीज के और उसके साथ ये टेरेन इन माउंटेन्स का बहुत खूबसूरत लगेगा। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो हुंजा में जिस तरह के हमें लैंडस्केप्स और सीनरीज मिलते थे, और हुंजा जिसको कंसिडर किया जाता है जो कि एपिटोम है खूबसूरत सीनरी और टूरिस्ट अट्रैक्शंस का इन टर्म्स ऑफ सीनिक ब्यूटी, सो डेफिनेटली अगर इसको उससे कंपेयर किया जाए दैट मीन्स कि इस जगह में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगी। और वाकई है, मेरा ये मानना है। सो देखते हैं कि आने वाले वक्तों में किस तरह से ये जगह डेवलप होती है, और अगर आप ये देख रहे हैं तो मत भूलिएगा कि डिस्कवर पाकिस्तान इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जो लेके आया आप लोगों के लिए सोक वैली की खूबसूरती और यहाँ के एडवेंचर्स।